ogun lama para mahar saat swa dede cha akana de chenu makara mi ba rat ta jana ma na shubhi va sa shri ram chan va vaavi sa yasya vadane lakshmi yasya cha vakshasi yasya aste hare samvittam shingamaham bhaje విశ్వసర్గవిసర్గాది నవలక్షణలక్షితం శ్రీకృష్ణాఖ్యం పరం ధామ జగద్ధామ నమామి తత్. శ్రీమద్భాగవత్ కే ప్రథమ ఉపక్రమ స్కంధ మే पिछले दशम अध्याय में श्री भगवान की हस्तिनापुर से द्वारिका की यात्रा पूर्ण हुई और अब एकादश स्कंध में द्वारिकापुरी में भगवान के स्वागत सत्कार और समग्र द्वारिकापुरवासियों के परम आनंद का वर्णन किया गया. श्रीधर स्वामी कहते हैं आनर्पय स्त्री मानस्य पुरी निर्देश्य बंधु भी एकादशे रति सम्यक यादवेन्द्र से वर्णते. इस एकादश अध्याय में ग्यारहवें अध्याय में श्री भगवान जब द्वारिका नगरी में प्रवेश कर जाएंगे तो द्वारिकापुरवासियों के द्वारा भगवान की स्तुति की और सारे बंधु बांधव भगवान का स्वागत करें. इसी प्रकार से उत्सव ही उच्चलक पौर मुदंचत ध्वज तोरणम ध्वज है न उल्लसद रत्न दीपाली स्वपुरम प्रविराविषत. दूसरी बात उत्सव उच्चलत पौर समग्र द्वारिकापुरी में महान उत्सव मनाया जाएगा. पुरवासियों का आनंद ध्वजा पताकाओं से सजावट और उल्लसित होने वाली रत्नों की दीपावली रत्नों के दीप सजाए जाएंगे द्वारिका नगरी में. ऐसे परम उत्सवों से सुशोभित नगरी में भगवान प्रविष्ट हुए स्वपुरम प्रभुराविषत. सूत जी महाराज वर्णन करने लगे सूतवाच आनरतान सौपब्रज्यो वृद्धान जनपदान स्वतान दधमौदरवरम तेषां विहादम समयन्निव. सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण समने श्री कृष्ण आनर्तान उपव्रज आनर्त देश में द्वारिका नगरी में पहुंच करके आनर्तान का विशेषण है स्वृद्धान जनपदान स्वकान. द्वारिका नगरी के सारे क्षेत्र धन धान से संपन्न है सुमने अच्छी प्रकार से रिद्ध है सुवृद्धान स्वृद्धान धन धान्य से अमन चैन से संपन्न है द्वारिका नगरी के क्षेत्र.
जनपदान और ये स्वयं भगवान के अपने ही जनपद हैं, स्वकान जनपदान। इसलिए भगवान के जो अपने जनपद हैं द्वारिका क्षेत्र के, उनको सुख समृद्धि से संपन्न होना उचित ही है। तो ऐसे अपने द्वारिका नगरी में जब भगवान पहुंच गए, प्रविष्ट हुए, तो भगवान ने क्या किया, तेषां विषादं समयन इव दरबारं दधमौ। द्वारिकापुर वासियों के विषाद को, दुख को, भगवत वियोग से जो उनकी बेचैनी थी, उसका उपशमन करते हुए से भगवान ने अपने श्रेष्ठ शंख, पांचजन्य शंख था भगवान, उसको बजाया। शंख के बजाने से द्वारिकापुर वासियों को मालूम पड़ गया कि भगवान आ गए, और जो भगवत वियोग जनित जो उनका ताप था वह शमित हो गया। टीका, श्रद्धान समृद्धान, सु माने सम्यक प्रकार से, रिद्धि सिद्धि से संपन्न, दरवरम पांचजन्यम शंखम, श्रेष्ठ शंख भगवान का पांचजन्य नाम का था। दधमौ बाधितवान, क्रिया है, बजाया, और उससे द्वारिकापुर वासियों का शोक दूर हो गया। उन्हें कहते हैं, स उच्चकाशे धवलो धरो धरो पुरुक्रमस्याधरसोण सोणिमा दाधमाय मान करकंज संपुटे यथाद्यस्पंडे कलहंस उत्सवन। सूत जी महाराज, जिस समय भगवान ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, तो उससे जो शोभा हो रही थी, उस शोभा का वर्णन करने लगे। सह माने सह दरबरा, भगवान का वह पांचजन्य शंख उच्चकाशे माने उत्कृष्ट शोभा को प्राप्त हो रहा था। कैसा है, धवलो धरो धरह, भगवान का जो पांचजन्य शंख है, वह दर माने शंख, उसका उदर वाला भाग धवल सफेद रंग का, शंख सफेद रंग का, किंतु भगवान उसको अपने मुखारविंद से बजा रहे हैं, तो भगवान के अधरोष्ठ की लालिमा कि उसमें प्रभाव पड़ रही है। पुरुक्रमस्याधर सोण सोणिमा, पुरुक्रम भगवान के अधरोष्ठ की जो सोण लालिमा, उस लालिमा के संसर्ग से सफेद उदर वाला वह शंख रक्त दिखाई दे रहा, रंग गया है मानो। और जब भगवान के द्वारा बजाया जा रहा है, भगवान कैसे बजा रहे हैं, करकंज संपुटे, कर कमल के संपुट में शंख दोनों हाथ से पकड़ के बजाया जाता है ना, तो भगवान के कर कमल उन्हीं संपुटों के बीच में ही तो मुख में लगा के बजाया जाता है। तो उस समय भगवान के कर कमल के संपुट में और भगवान के अधरोष्ठ की लालिमा से रंगा हुआ वह सफेद उदर वाला पांचजन्य शंख, उसकी बड़ी शोभा हुई। कैसी शोभा हुई, तो कहते हैं यथाद्य खंडे कलहंस उत्सवनः, जैसे कमल के झुरमुट में, अब जो खंड में है ना, कलहंस उत्सवन, सफेद रंग के हंस का उत्सवन माने वाणी, उसकी आवाज ध्वनि। तात्पर्य है कि जैसे कमल के पुष्प के बीच में
कोई सफेद रंग वाला हंस आके बैठ गया हो और अपने मुख से बोल रहा हो, शब्द ध्वनि कर रहा हो, वैसे ही भगवान के मुखारविंद की अधरोष्ठ की लालिमा और भगवान के जो करकमल का संपुट, उसके मध्य में शंख विराजमान है ना, तो करपुट करकंज के संपुट के बीच में विद्यमान जो शंख है, तो वह कमल के मध्य में बैठे हुए हंस के समान है, कलहंस के समान है। और उससे जो ध्वनि निकल रही है शंख की बादन से, वह कलहंस के उत्सवन मने उसकी बोली के समान है। ऐसी शोभा प्राप्त कर रहा था शंख। टीका साई की, सामान्य वह शंख दरह शंख दाधमाय मान भगवता आपूर्यमाण, श्री भगवान के द्वारा मुख से हवा फूंक करके जो बजाया जा रहा था, उसकी बड़ी शोभा हुई। सह उच्चकाशे अतिशयन सुशुभितन्वय, उत्कृष्ट रूप में प्रकाशित हो रहा था, सुशोभित हो रहा था। कैसा है वह शंख जो शोभित हो रहा था? कथम भूतो दरह धवलम उदरम यस्य सह, जिस शंख का उदर पेट का भाग धवल सफेद रंग का है। तथापि उरुक्रमस्य कृष्णस्य अधरस्य यः सोम गुणः, तो भी स्वयं शंख धवल उदर वाला होता हुआ भी भगवान श्री कृष्ण का जो अधरोष्ठ है, उसकी जो लालिमा है, उस लालिमा गुण के द्वारा वह भी लाल दिखाई दे रहा है। सूर्णिमा यश और करकंजे करकमले तयो संपुटे मध्य वर्तमान, भगवान के दोनों करकमलों के संपुट के मध्य में वर्तमान है, मौजूद है। ऐसे उस शंख की शोभा हो रही थी। कथम उच्चका से किस प्रकार की शोभा हो रही थी? तो कहते हैं अब्ज खंडे रक्त कमल समूहे, कमल पीत कमल रक्त कमल शुक्ल कमल, तो अब्ज शब्द का प्रयोग रक्त कमल के लिए किया जाता है। तो रक्त कमल के समूह में, जलाशय में कमल जहां होता है वहां कई कमल होते हैं, उसके समूह में जैसे कोई कलहंस राजहंस आकर के बैठ गया हो बीच में और वह ध्वनि कर रहा हो, बोल रहा हो, उत्सना उच्च शब्दो यथा तद्वत, कलहंस जैसे रक्त कमल के मध्य में आकर के बैठ करके बोल रहा हो, ध्वनि कर रहा हो, ऐसी ही शोभा भगवान के करकमल के संपुट में विद्यमान ओष्ठ की अधरोष्ठ की लालिमा से रंजित उस पांच जन संघ की हो रही थी। इसके बाद पुनः कहते हैं तमुपसुत निनदम जगद भय भयावहम, प्रत्युजयु प्रजा सर्वा भर्त दर्शन लालसा। सूत जी महाराज कहने लगे कि द्वारिकापुर वासी प्रजा ने तम निनदम उपश्रुत्य भगवान के शंख की ध्वनि को निकट से सुना। उपश्रुत्य कैसा है भगवान के शंख की ध्वनि? जगद भय भयावहम, संसार का सारे संसार का जो भय, उस भय को भी भयभीत करने वाला निनद था, नाद था। सारे संसार का जितना भी भय है वह भय भी भगवान के शंख नाद से भयभीत हो सकता था। ऐसे नाद को प्रजा ने सुना।
और सुनते ही प्रत्युजयु प्रजा सर्वा घट दर्शन लालसा। द्वारिकापुरी की सारी प्रजा को मालूम पड़ गया कि भगवान का आगमन हो गया, गए इसलिए सारी प्रजा घट दर्शन लालसा प्रत्युजयु अपने स्वामी भगवान के दर्शन की लालसा से दौड़ पड़ी। प्रत्युजयु उन्हीं भगवान का दर्शन करने के लिए दौड़ पड़ी। जगतो भयम तस्य भयावहम्। भगवान के शंख का नाद कैसा है, संसार भर को जो भय होता है उसको भी भयभीत करने वाला नाद है। ऐसे शंखनाद की ध्वनि को सुनकर के सारी प्रजा प्रत्युजयु प्रत्युजगमु हूं। भगवान जिधर से नाद सुनाई पड़ा उधर ही दौड़ पड़ी। भरतुर दर्शने लालसौ चुक्यम व्यासामता। क्योंकि अपने स्वामी भगवान के दर्शन की बड़ी तीव्र लालसा थी प्रजा को। तत्रोपनीत बलयो रवेर दीप निवाद्रुता। आत्मा रामम पूर्ण कामम निजलाभेन नित्यदा। सूजी महाराज कहते हैं कि सारी द्वारिकापुरी की प्रजा भगवान के लिए उपनीत बलय उपहार लेकर के, कोई फूल लिए है कोई कुछ लिए है। तत्रोपनीत बलय रवेर दीप मिवाद्रता। यद्यपि भगवान के लिए उपहार का कोई मतलब नहीं है, क्यों, भगवान तो आत्माराम पूर्ण काम है। आत्माराम को कुछ चाहिए नहीं, वो तो पूर्ण काम है। किंतु फिर भी दृष्टांत दे रहे हैं कि जैसे भगवान सूर्य को दीपक से हम लोग आरती करते, सारा तेज तो उन्हीं से मिला हुआ है। संसार में अग्नि जो भी प्रकाश जहां भी कहीं है वो तो सूर्य से आया हुआ है, तो उन्हीं सूर्य को दीपक दिखाना क्या है, ये उनकी पूजा करना है अर्चा करना है। सूर्य को कोई जरूरत थोड़ा है, कोई अंधेरा थोड़े कि दीपक से अंधेरा दूर हो जाएगा। किंतु जैसे सूर्य भगवान की पूजा के लिए हम लोग दीप दिखाते हैं, ऐसे ही भगवान तो आत्मा राम पूर्ण काम है, उनको तो कुछ भी नहीं चाहिए। किंतु सारी प्रजा भगवान की पूजा करने के लिए उपहार लेकर के दौड़ी चली जा रही है। वे तो निज लाभेन नित्यदा, अपने स्वरूप के लाभ से नित्य निरंतर आत्मा राम पूर्ण काम बने रहते हैं। टीका तत्र तस्मिन् श्री कृष्ण उपनीता समर्पिता बलय उपायनान याभिस्ता। उस समय द्वारिकापुरी की सारी प्रजा ने भगवान श्री कृष्ण के पास ले जा करके, है ना, उपायन माने उपहार सामग्री चरणों में अर्पित की। कहते हैं यद्यपि भगवान को कुछ नहीं चाहिए, निरपेक्ष निरपेक्षे की तस्मिन आदरण समर्पणे दृष्टांत। निरपेक्ष भगवान को तो कुछ चाहिए नहीं, फिर क्यों दिया प्रजा ने, तो निरपेक्ष होने पर भी आदर के लिए भगवान को समर्पण कर रही है प्रजा। दृष्टांत है रवेर दीप मिवेदी। सूर्य को कोई अंधेरा थोड़ा ही है कि दीपक दिखाने से कुछ होगा, किंतु सूर्य भगवान की पूजा अर्चा के लिए हम दीप दिखाते हैं आरती करते हैं। ऐसे ही भगवान की अर्चा पूजा के लिए प्रजा ने अपना उद्गार व्यक्त किया। पितरम आर्भका इउत्तम सर्वसुहृदम अवितारम प्रोचु इत्युत्तरेणान्वयः।
कह रहे हैं कि प्रोचू है ना, आगे आगे का श्लोक है, प्रीत थुल मुखा प्रोचुर हर्ष गद गदया गिरा। मूल में द्वारिका नगरी की सारी प्रजा इतने प्रसन्न थी कि उनके मुखारविंद उत्फुल्ल हो गए थे जैसे कमल खिल जाए। इसलिए हर्ष गद गदया गिरा, मारे हर्ष के मारे गदगद वाणी से भगवान से निवेदन करने लगी प्रजा। उसमें दृष्टांत दे रहे हैं कैसे, पितरम सर्व सुहृदम अवितार अमिवार भकाह। जैसे अर्भकाह माने बालकाह, बालक अपने पिता के सामने आदर भाव पूर्वक पहुंचते हैं, निवेदन करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, उसी प्रकार से द्वारिकापुरी की प्रजा भगवान को सर्व सुहृद समझ करके, भगवान सर्वेशाम सुहृद हैं, जीव मात्र के भगवान सुहृद हैं, तीन शब्दों का प्रयोग भगवान के लिए प्रायः भागवत में कई बार किया गया, आत्मा सुहृद और ईश्वर, तीन चीज। ईश्वर होने से भगवान सर्वनियंता और सुहृद होने से भगवान जीव मात्र के हितैषी हैं, और आत्मा होने से अत्यंत अभिन्न अपना स्वरूप ही है। तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि जीव मात्र के भगवान सुहृद हैं, तो जीव मात्र में सभी याद है, हम भी सब हैं, इसलिए ऐसा मान करके सुहृदम और दूसरा अवितारम रक्षकम रक्षा करतारम, बालकों के रक्षा करने वाले जैसे माता पिता होते हैं, वैसे जीव मात्र के सुहृद और रक्षा करने वाले भगवान हैं, यह समझ करके सारी प्रजा भगवान की स्तुति करने लगी। टीका, पितरम अर्भकायुतम सर्वसुहृदम अवितारम। जैसे बालक पिता की स्तुति करते हैं, ऐसे ही द्वारिकापुरी की प्रजा सबके सुहृद भगवान, सबके सुहृद और सबकी रक्षा करने वाले उन भगवान से स्तुति करती हुई कहने लगी। प्रोचुः इत्युत्तरेण अन्वयः, ऐसा उत्तर के श्लोक में अन्वय है, सुहृत्वेनैव अवितारम् न तु कामेन। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि अवितारम कह देता हो, कह दिया था, हो गया, सर्वसुहृदम क्यों कहा। तो विशेष अभिप्राय व्यक्त करते हैं कि भगवान जीव मात्र की रक्षा करने वाले तो हैं अवितारम, किंतु कैसे सुहृद भाव से, सर्वसुहृद भाव से रक्षा करने वाले हैं। संसार का व्यवहार तो परस्पर सापेक्ष होकर के होता है, माने कामना को लेकर के, कोई कामना हो, राजा भी प्रजा की रक्षा करता है तो उसको धर्म समझ करके, धर्म का आचरण करने, धर्म का पालन करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी, किंतु भगवान की जो रक्षा करने की बात है वो निष्काम है, केवल सुहृद हितैषिता के कारण ही भगवान जीव मात्र की रक्षा करने वाले हैं, यह बात व्यक्त करने के लिए सर्वसुहृदम कहा। सुहृदे नैव अवितारम न तो कामेन, कहते कामना से रक्षा करने वाले नहीं, ऐसा क्यों कहते हो। अत्र हेतु, हेतु है आत्मा रामम, आत्मा राम को तो कभी कोई कामना हो ही नहीं सकती,
है ना, उनका तो काम में विषय अपना आत्मा ही है। आत्मा रामम, आत्मा राम क्यों है? तत्रात हेतु परमानंद निज स्वरूप लाभे नैव पूर्ण कामम। भगवान का जो अपना स्वरूप है वही परमानंद है, अपने परमानंद निज स्वरूप के लाभ से ही पूर्ण काम है। इसलिए भगवान जो है जीव मात्र के निरपेक्ष हितैषी हैं, ऐसा प्राणी संसार में कोई भी नहीं मिलेगा। तभी तो यह बात लगेगी कि सारे संसार की उपेक्षा करके भगवान की दिशा में आओ, यह बात है। तब एक तो संसार में कोई जो है सारे दुखों से रक्षा कर ही नहीं सकता, स्वयं जो काल के गाल में पड़ा हुआ है वो क्या रक्षा करे। और दूसरी बात यह है कि लोक व्यवहार, संसार का व्यवहार सब परस्पर सापेक्ष होकर के चल रहा है। भगवान ही एक ऐसे हैं कि सब प्रकार से निरपेक्ष, प्रत्युपकार निरपेक्ष होकर के जीव का हित साधन करते हैं। इसलिए भगवान की ओर आना चाहिए। क्या कहती है प्रजा? नदास्मते नाथ तदा सदांघ्रि पंकजम विरिंच वैरिंच सुरेन्द्र वंदितम परायणम क्षेम मिहेक्षताम परम यत्र काला प्रभवित पर प्रभु। द्वारिका की प्रजा भगवान का दर्शन करके हाथ जोड़कर जो कुछ आदर के लिए लाई उनको भगवान के सामने समर्पण करके और कहने लगे, हे नाथ ते आंघ्रि पंकजम सदा नताश्म, आपके चरण कमलों में हम सदा नमस्कार करते हैं, झुके हुए हैं। आपके चरण कमल कैसे हैं? बिरिंच बैरिंच सुरेंद्र वंदितम। हे भगवान, आपके चरण कमलों की वंदना, बिरिंच माने ब्रह्मा और बैरिंच माने बिरिंच के पुत्र सनकादि, सुरेंद्र माने देवताओं के राजा देवराज इंद्र, इनके द्वारा भी वंदित हैं, वंदनीय हैं, ये भी वंदना करते रहते हैं। ऐसे आपके चरणों की हम लोग सदा सर्वदा वंदना करते हैं। एक बात, सर्ववंदनीय होने से वंदना करते हैं, और दूसरी बात और, परायणम क्षेम मिहेक्षताम परम। इस संसार में बल्कि तीनों लोक में समूचे ब्रह्मांड में जो जीव जो प्राणी क्षेम चाहते हैं, परम कल्याण संपन्न करना चाहते हैं, उनके परायण आपके ये चरण कमल ही हैं। और परम न यत्र माने आपके चरण कमलों के अलावा किसी को कल्याण प्राप्त हो जाएगा, शांति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा, बंधन निवृत्त हो जाएगा, ये तो प्रश्न ही नहीं। आपके चरण कमलों के अलावा और कोई मार्ग है ही नहीं। नयत्र कालः प्रभवेत् परप्रभुः। क्यों? क्योंकि बाकी तीनों लोकों में, समग्र ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो काल के गाल में नष्ट न हो जाता हो। केवल मात्र आपके चरणों का जो आश्रय लेने वाले हैं उन्हीं पर काल की दाल नहीं गलती। नयत्र काला प्रभवेत पर प्रभु। दूसरों का तो वह नियामक है कौन? काल। किंतु जो आपके चरण कमलों की वंदना करने वाले हैं
उन पर जो है काल का बस नहीं चलता है। इसीलिए समझदार लोग, विवेकी लोग सारे आश्रयों को तिलांजलि दे करके आपके चरणों का ही आश्रय लिया करते हैं। ठीक है, कहते हैं कि किमूचुरीति तदाहा, द्वारिकापुरी की प्रजा क्या कहती है भगवान के सामने, कैसी प्रार्थना करती है, नताश्मयीति, आपके चरणों की हम वंदना करते और सदा सर्वदा। ऐसा नहीं कि आप जब सामने रहते हैं तो वंदना कर लेते हैं, नहीं रहते हैं तो नहीं करते हैं, सदा करते ही रहते हैं, आप सामने हो चाहे ना हो। और विरिंच ब्रह्मा बैरिंचा सनकादे, विरिंच के पुत्र सनकादि, इस संसारे परम क्षेमम इच्छताम परायणम परमम शरणम, इस संसार में जो परम कल्याण चाहने वाले जीव हैं कोई भी हो, उनके परायण ये आपके चरण ही हैं, चरण कमल ही हैं, परम शरण ये ही हैं। कुतः, क्यों, और कुछ नहीं है, कहते कुछ नहीं। परेशान ब्रह्मादि नाम प्रभुरपि कालः, यद्यपि काल भगवान ब्रह्मादिकों को अपने बस में रखते हैं, यत्र प्रभुर न भवेत, किंतु वह काल जो ब्रह्मा पर तो अनुशासन करने वाला है, किंतु आपके चरण कमलों का आश्रय लेने वालों पर समर्थ नहीं है। इसलिए भवाय नस्त्वं भव विश्वभावन त्वमेव माताथ सुहृत्पतिपिता त्वं सद्गुरुर्ना परमं च दैवतं यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम। इसलिए हे भगवान, आप हमारे भवाय माने उद्भव के लिए, आप हमारा कल्याण करने के लिए, उद्भव संपन्न करने के लिए आप हो, भाव माने हो वो। हे विश्व भावन, सारे विश्व को आप सुरक्षित करने वाले हो, तो उसी विश्व में हम भी तो हैं। विश्व भावन तुम्हें वो माता अथ सुहृत पति पिता, इसलिए वास्तव में तो आप ही हमारी माता हो, हमारे आप सुहृत हो, हमारे पति रक्षक हो, हमारे पिता हो। इतने ही नहीं, त्वं सद्गुरुर्नः परमं च दैवतम्, आप हमको मार्ग दिखाने वाले सच्चे गुरु हो और हमारे परम दैव हो, इष्ट हो। यस्यानुवृत्त्या कृतनो बभूविम, आपका ही अनुसरण करके हम सभी द्वारिकापुरवासी कृतार्थ हो रहे हैं। कृति माने कृतार्थ। अहो सनाथा भवता स्म यद्वयम् त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् प्रेमस्मित स्निग्ध निरीक्षणाननम पश्येम रूपम तव सर्व सौभगम। इसके बाद अपनी कृतार्थता का ख्यापन करते हैं द्वारिकापुर वासी, कहते हैं कि हे भगवान, ये कितने आश्चर्य की बात है, हम कैसे सनाथ हो गए। अहो सनाथा भवता स्म यद्वयम्, आपका दर्शन पा करके हम सनाथ हो गए। क्यों, त्रैविष्टपानाम अपि दूरदर्शनम्, जिन आपका दर्शन त्रैविष्टित माने देवलोक निवासियों के लिए भी दूर है, असंभव है, माने देवताओं के लिए भी जिन आपका दर्शन दुर्लभ है, वे ही भगवान आप प्रेम स्मृति स्निग्ध निरीक्षणाननम, उन्हीं आपके प्रेम और मुस्कान से स्निग्ध
नेत्र से संपन्न आपके मुखारविंद का हम दर्शन कर रहे हैं। एवं भूतम रूपम सर्व सौभगम, जिसमें सारे विश्व ब्रह्मांड का सौभाग्य मौजूद है, ऐसे आपका के स्वरूप का हम दर्शन कर रहे हैं। टीका कृतार्थत्व में वाहु, अपने कृतार्थता को ही कह रहे हैं। अहो भवता वयम सनाथा, कितने आश्चर्य की बात है कि आपका दर्शन करके हम सनाथ हो गए। यद्यस्मात् तव रूपम पश्येम, क्योंकि हम लोग आपके साक्षात स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। यह दर्शन तो देवलोक के देवताओं को भी दुर्लभ है। त्रैविष्ट पानामपि दूरे दर्शनम यस्य तत्। देवलोकवासी देवताओं को भी जिनका दर्शन दूर है, उन्हीं आपके रूप का हम दर्शन कर रहे हैं। माने देवा नाम की दुर्लभ दर्शन इत्यर्थः। प्रेमणा यत स्मितम, और कैसा दर्शन भगवान के रूप का, प्रेम के मारे जो मुस्कान, तद्युक्तम स्निग्धम निरीक्षणम, मुस्कान से युक्त जो स्निग्ध माने प्रेम पूर्ण निरीक्षण, ऐसा जिसमें है, ऐसे आनंद मुखारविंद के रूप को हम देख रहे हैं। सर्वेषु चांदेषु सौभगम यस्मिन् तत् सर्व सौभगम, आपके जिस मंगलमय विग्रह स्वरूप में सर्वांग में सौभाग्य मौजूद है। यर्हंबुजाक्षापससार भो भवान कुरून मधुन्वास सुहृद दृक्षया, तत्राब्द कोटि प्रथम क्षणो भवेद रविम्बिनाक्षोरिव नस्तवाच्युत। अब भगवत वियोग से जन्य क्लेश का स्मरण कर रहे हैं। कहते हैं कि जैसे बालक कारुणिक भाव में आकर के पिता से कहने लगते हैं कि देखो पिताजी, आप इतने दिन बाहर रहे हो, उसी प्रकार से द्वारिकापुरवासी कहते हैं कि हे अंबुजाक्ष कमल नेत्र भगवन, आप जो इतने दिनों तक दूर रहे द्वारिका नगरी से, कहाँ रहे, कुरून मधुन वास सुहृद दीक्षया, कुरून कुरुवंशियों के हस्तिनापुर, मधुन मधुवंशी मथुरा, दोनों दूर है ना द्वारिकापुर से, यहाँ जो आप हमसे दूर हो गए, यद्यपि आप दोनों जगहों पर दूर हुए तो विशेष प्रयोजन को लेकर के दूर, सुहृद दीक्षया है ना, सुहृदों के अपने सगे संबंधियों को दर्शन देने के लिए, उनका हाल चाल जानने के लिए बार बार जाया करते ना पांडवों के यहां, तो किंतु हमारी हालत उतने में ही बिगड़ जाया करती थी। तत्ताब्द कोटि प्रतिमक्षणो भवेत, उस समय जब आप हस्तिनापुर या मथुरापुरी चले जाते थे तो ये माने करोड़ों वर्षों के समान हमारे लिए एक क्षण होता था। रविन बिना सूर्य नस्तवाच्युत, जैसे सूर्य के बिना हमारी आंखें बेकार हो जाती हैं, कुछ दिखता ही नहीं है, वैसे ही आप सुहृदों को दर्शन देने के लिए जब कुरुदेश चले गए, हस्तिनापुर चले गए, मथुरा चले गए, तो हमारे लिए एक एक क्षण का समय करोड़ों वर्षों के बराबर हो जाया करता था। ये वियोग टीका अर्भकायु सकर्ण माहु, जैसे बालक बहुत दिन में मिलने पर पिता को कहने लगते हैं, उलाहना देने लगते हैं, वही उलाहना यद मैंने यदा
जब आप भू अम्बुजाक्ष हे कमल नेत्र, जब भी आप है ना नो भवानित पाठे न इत्यनादरे षष्ठी, कहीं कहीं पर भो भवान की जगह नो भवान है, तो न का अर्थ है न माने अस्माकम, अस्माकम में षष्ठी अनादर अर्थ में, अनादर अर्थ में एक सूत्र है षष्ठी च अनादरे व्याकरण का, अनादर अर्थ में षष्ठी है, उसका उदाहरण दिया गया है ना, पुत्रादिकम अनादृत्य सन्यस्तवान, पुत्रादि रो रहे थे है ना, रुदताम पुत्रादिकम अनादृत्य सन्यस्तवान, और संन्यास ले लिया, पत्नी पुत्र रो रहे हैं, कोई परवाह नहीं कि संन्यास ले लिया। उसी प्रकार से आपने हमारा अनादर करके क्यों सुहृदों को दर्शन देना है, पांडवों से मिलना है, मथुरापुरवासियों से मिलना है, तो जिनसे मिलना है जरूरी काम तो करना ही है, इसलिए न अस्माकम में अनादर में षष्ठी है पाठांतर में। अस्य अनादृत्य अपसारा पहारा युजवाम, मैंने जो है इस प्रकार से अनिवार्य समझ करके आप चले जाते थे, माने भगवान कोई अनादर करने के लिए जाते हो ऐसा नहीं, किंतु जाना आवश्यक समझते थे, आवश्यक होता था इसलिए जाते थे। कुरून हस्तिनापुरम, हस्तिनापुर चले जाते थे, मधुर मथुरांग तत्र तदा, उस समय हमारी क्या हालत होती थी हमसे सुनिए। रदिम बिना आंध्यात अक्षणों, सूर्य नहीं है तो नेत्रों के रहने पर भी हम अंधे हैं, क्या देखेंगे है ना। यथई वैकोप क्षणो अब्द कोटि प्रथमो भवेत, वैसे ही हमारे लिए एक एक क्षण है ना करोड़ वर्ष के समान हो जाता था। एवं तव न त्वदीया नाम अस्माकम इत्यर्थः, इस प्रकार से हम लोग आपके हैं, आपके अनुयायी हैं, ऐसी हमारी हालत होती थी। अब सूत जी आगे बढ़ता, द्वारिकापुर की प्रजा ने भगवान की इस प्रकार से स्तुति की। इति चोदीरिता वाचः प्रजानां भक्तवत्सलः श्रवानोनुग्रहं दृष्ट्या वितन्वन् प्राविशत् पुरीम्। इस प्रकार से प्रजानाम वाचः उदीरिताः श्रवण, भक्तवत्सल भगवान अपनी प्यारी प्रजा की इस प्रकार की वाणी को सुनते हुए और अनुग्रहं दृष्ट्या वितन्वन्, प्रजा की ओर बड़े प्रेम से देखते हुए मानो अनुग्रह बांट रहे हैं है ना, दृष्ट्या अनुग्रहम वितन्वन्, प्रेम पूर्ण दृष्टि से अनुग्रह को मानो बांट रहे हैं। प्राविशत पुरीम, और पुरी में प्रविष्ट हो गए। टीका, इति च एवं विधा अन्याश्च उच्चारिता वाचः, उनमें से थोड़ी सी शब्दावली का उदाहरण दे दिया गया है, बाकी कोई और तरह की बात, कोई और तरह की बात, सबका आशय इसी प्रकार का है, उसको सुनते हुए। और दृष्ट्या साध नंदनावलोकनेन, अपनी दृष्टि के द्वारा उनका स्तवन स्वीकार करते हुए, अभिनंदन को स्वीकार करते हुए, अवलोकन करते हुए, अनुग्रहम कुर्वन् पुरीम द्वारिकाम प्राविहत, अनुग्रह करते हुए द्वारिकापुरी में भगवान प्रविष्ट हो गए। अब द्वारिकापुरी का वर्णन थोड़ा सा। मद भोज दशार्हार कुकुरांधक वृष्णिभिः आत्मतुल्य बलैर्गुप्तां नागैर्भोगवतीमिव,
कैसी है द्वारिकापुरी जिसमें भगवान प्रविष्ट हो रहे हैं, पांच श्लोक में वर्णन करते हैं। कहते हैं कि द्वारिकापुरी में मधुवंशी, भोजवंशी, दशाढ़वंशी, अंध, कुक्कुर, अंधक, ब्रह्मी, इन वंशों वाले वीर पुरुष आत्मतुल्य बलैर गुप्ताम, जो भगवान के समान ही बल रखने वाले हैं, ऐसे वंश वाले वीरों के द्वारा सुरक्षित, गुप्ताम सुरक्षताम। दृष्टांत है, जैसे भोगवती नाम की नगरी पातालपुरी की, उसकी रक्षा करने वाले नाग होते हैं, वैसे ही मधुभोज दशार आदि नाग के समान रक्षा करने वाले, और द्वारिकापुरी जो है भोगवती नगरी की तरह से शोभा प्राप्त करने वाली। स्वाम द्वारिका में स्तौति पंच भी, जिस द्वारिका में भगवान प्रविष्ट हुए उसकी पांच श्लोकों से स्तुति कर रहे। स्वतुल्य बलई ही मधुभोजादिभिर् गुप्ताम रक्षताम, जो भगवान के समान बल रखने वाले थे, मधुवंशी, भोजवंशी, कुक्कुरवंशी, दशाढ़वंशी, अंधकवंशी, इनसे जो सुरक्षित थी। एक और कैसी है द्वारिकापुरी, सर्वत सर्व विभव पुष्प वृक्ष लताश्रमैहि, उद्यानोपवनारामैर् व्रत पद्माकरश्रियम्। सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान जिस पुरी में प्रविष्ट हुए उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। क्यों हो रही थी? उस नगरी में, द्वारिकापुरी में, सभी ऋतुओं के सब प्रकार के विभव मौजूद थे, है ना। पुण्य वृक्ष, वहां के वृक्ष बड़े पुण्यशाली थे, लताएं पुण्यशालिनी थी, आश्रम बड़े पुण्यशाली थे, और उद्यानों पवनारामयी ही, उद्यान जहां पर पुष्पों का अधिक होता, उपवन जहां पर फल वाले वृक्ष अधिक होते हैं, आराम जहां घूमने फिरने के मैदान होते हैं, इन सबों से व्रत पद्माकरश्रियम। पद्माकर माने जहां बड़े बड़े जलाशय, उनकी शोभा से संपन्न थी जो द्वारिकापुरी। टीका, सर्वेषु ऋतुषु सर्वे विभवाः, सभी ऋतुओं में सारे विभव मौजूद थे जिस द्वारिका नगरी में। पुष्पाद संपदो ये शांति पुण्य वृक्षाः, पुष्प फल आदि संपत्ति होती है ना वृक्षों की, तो उससे लदे हुए बगीचे पुण्य वृक्ष वाले थे। लता समा, लताओं से घिरे हुए आश्रम अथवा लताएं और मंडप, ये सुतै उद्यानादिभिर् व्रताः, ऐसे पुण्यशाली वृक्ष लताओं के आश्रम लता मंडप हैं, जिनमें ऐसे उद्यान आदिकों से घिरी हुई है वह द्वारिकापुरी। ये पद्माकरा सरांशी, पद्माकर माने जलाशय, तय श्री शोभा यस्याम ताम, उन जलाशयों के द्वारा जिसकी बड़ी शोभा हो रही है। उद्यान कहते हैं जहां फल अधिक होते हैं, उपवन कहते हैं जहां पुष्प अधिक होते हैं, आराम क्रीडार्थम वनम, ऐसा वन जहां खेल कूद हो सके, खुली जगह हो। गोपुर द्वार मार्गेशु कृत कौतुक तोरणाम, चित्रध्वज पताकाग्रही अंत प्रतिहता तपाम। पुनः कहते हैं गोपुर माने नगरी का प्रधान द्वार, गोपुर द्वार और मार्ग, कृत कौतुक तोरणाम, इन सभी जगहों पर, मार्गों में, मुख्य द्वार में, है ना, बड़े सजाए हुए तोरण बांधे गए हैं,
बंधनवार जिनको कहते चित्र ध्वज पताकाग्रही, चित्र विचित्र प्रकार की ध्वजाएं पताकाएं जिन जो इतनी संख्या में लगाए गए हैं कि जिनके द्वारा अंतपति हता तपाम द्वारका नगरी में सर्वत्र छाया हो गई, कहीं धूप नहीं महसूस, इतनी पताकाएं लगी हुई है वस्त्रों की। गोपुरम पुरद द्वारम और द्वारम गृह द्वारम, गृह के द्वार को केवल द्वार और राजधानी के मुख्य द्वार को गोपुर कहते हैं। कृतान कौतुकेन उत्सवेन तोरणान यश्याम ताम, जिस द्वारिकापुरी में कौतुक बसात तोरण बंधनवार लगाए गए हैं और गरुवाद चिन्हांकिता ध्वजा, ध्वजाएं गाड़ी गई हैं जिनमें गरुड़ादि के चिन्ह बने हुए हैं। जयप्रद यंत्रांकिता पताका, और जयप्रद यंत्रों को अंकित की गई पताकाएं हैं। चित्राणाम ध्वज पताका नाम अग्रही ही, जो विचित्र प्रकार के ध्वजाएं और पताकाएं हैं उनके अग्रभाग से इतने ज्यादा लगाए गए हैं। अंत प्रतिहत आतपो यश्याम ताम, कि द्वारिका नगरी में कहीं सब जगह छाया हो गई पताकाओं से ध्वजाओं से। और कैसी है द्वारिका नगरी? सम्मार्जित महामार्ग रक्षा पणक चत्वराम, जिसके महामार्ग माने मुख्य मार्ग, राजधानी की ओर जाने वाला मार्ग, रक्षा माने छोटे छोटे मार्ग, आपणक माने बाजार की ओर जाने वाले रास्ते, चत्तर माने चबूतरे जहां बेचने वाले माल रख करके बेचते हैं, इन सभी स्थानों को झाड़ू से साफ किया गया था और सिताम सींचा गया था। किससे सींचा गया था? गंध जलई ही, गंध मिश्रित जल से, सुगंधित जल से सिंचन किया गया था। और उत्तम फल पुष्प क्षतांकुरई ही, फल फूल अक्षत माने चावल और यव के अंकुरों से उसको बो करके तैयार किया गया था। सम्मार्जितानी निसारित रजस्पानी, झाड़ू से जिसकी धूल कूड़ा करकट साफ कर दिया गया है, ऐसे महामार्गादीन बड़े बड़े मार्ग छोटे मार्ग जिस नगरी में, यश्याम ताम महामार्गा राजमार्गा, बड़े बड़े मार्ग किसको कहते हैं? राजमार्ग। रक्षा माने छोटे छोटे मार्ग टुकड़े वाले। आपण का पर्ण बीथया, बाजार की ओर जाने वाली गलियां, छोटे छोटे फुटपाथ। चतुराणी अंगनानी फलाद भी उत्तम अवकीर्णाम, और जहां पर जब अक्षत आदि से अंकुरित किए गए हैं। द्वारी द्वारी गृहाणाम चो दध्यक्षत पले फलेक्षु भी, भगवान के आगमन काल में द्वारिकापुरी की नगरी में प्रत्येक घर के दरवाजे दरवाजे पर दही चावल फल और गन्ना यह रख करके और जल से भरे हुए पूर्ण कुंभों को सजाया गया है, अलंकृत किया गया है, स्वस्तिक वगैरह का बनाया गया है। अलंकृतां पूर्ण कुंभैर बलिभिर धूप दीप कई, उन पूर्ण कुंभों को बलि से धूप दीप से हर प्रकार से उनको सुसज्जित किया गया है। जिस द्वारिकापुरी में ऐसी, उस द्वारिकापुरी में भगवान प्रविष्ट हुए। और कहते निशम्य प्रेष्ठ मायांतम वसुदेवो महामनाः, अक्रोश्चोग्रसेनश्चो रामश्चाद्भुत विक्रमः। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, कहते हैं कि ऋषियों,
भगवान तो असल में सभी के प्रेष्ठ थे। प्रेष्ठ शब्द का अर्थ होता है प्रिय, प्रियतर और प्रेष्ठ। प्रिय तो मित्र भी होता है, प्रियतर और प्रेष्ठ। प्रेष्ठ माने जिससे प्रिय कोई न हो। तो भगवान तो सभी के प्रेष्ठ थे, माता पिता भाई राजा चाचा सबके पुत्र। तो कह रहे हैं कि है ना, सर्वप्रिय भगवान को आया हुआ जब देखा सुना निशम्य वसुदेवो महामना, महामनुष्य वसुदेव जी दौड़ पड़े। अक्रूरश्चोग्रसेनश्च, अक्रूर भगवान के जिनको चाचा चाचा कहते थे, उग्रसेन जो राजगद्दी पर बैठे हुए हैं, भगवान ने बैठा ला, राम बलराम जी बड़े भाई, अद्भुत विक्रम और प्रद्युम्नश चारुदेशनश्च शाम्बु जाम्बुवती सुता। प्रद्युम्न चारुदेश शाम जाम्बुवती पुत्र, ये सब छोटे बड़े सत्य सब प्रहर्ष वेगो छसित शयनासन भोजना। सूत जी महाराज कहते हैं कि इन सबों ने जैसे ही परम प्रेष्ठ भगवान के आने का समाचार इनको मिला सेवकों के द्वारा, ये कर्म परंपराया, तो इनको सबको इतना आनंद हुआ है ना कि प्रहर्ष के वेग से उच्छसित शयनासन भोजना कूद पड़े। कोई शयन में शयनागार में था उससे कूद पड़ा, कोई आसन से कूद पड़ा, कोई भोजन छोड़ बैठा, जो जिस जहां पर जिस क्रियाकलाप में लगे थे सब छोड़ करके दौड़ पड़े। टीका, प्रेष्ठम अंतरात्मानम आयांतम। जीव मात्र का प्रेष्ठ तो होता है अपना अंतरात्मा, वे भगवान ही हैं, इसलिए प्रेष्ठ कहा गया। निशम्य सोक्त्वा उनको आया हुआ जब सुना, तब वसुदेवादयः प्रतिजगमुहु, वसुदेव आदि सब दौड़ पड़े, ऐसा चौथे श्लोक में अन्वय होगा। और कहते हैं कि प्रहर्ष वेगेन उच्छसितानि उल्लंघितानि सैनादीनि यैस्ते, आनंद के वेग से शयनासन आदि को लांग गए, उल्लंघित कर दिया, दौड़ पड़े, टूट पड़े वहां से। ससपुल्क गतौ, उच्छसित शब्द जो बना है अक्ता प्रत्यांत करके, उद उपसर्ग है, तो पुल्क गति अर्थ में माने इतनी व्यग्रता हुई इन सब सुनने के बाद कि सब के सब जो जहां जिस अवस्था में थे दौड़ पड़े। और क्या किया, वारणेन्द्रम पुरस्कृत्य ब्रह्मैषा सुमंगलैहि शंखतूरि निनादेनो ब्रह्म घोषण चाद्रदाः। वारणेन्द्र माने गजराज को आगे कर लिया, आदर करने का ढंग होता है ना, गजराज को आगे कर लिया, और मांगलिक ध्वनि करने वाले ब्राह्मण साथ में ले लिए। शंख तूरी निनाद होने लगा, ब्रह्म घोष वेद के मंत्रों का पाठ होने लगा, और बड़े आदर के साथ सब चल पड़े। प्रतिजग मुहूर्फ हस्ता प्रणया गत साधा, रथों में बैठ करके प्रसन्न होकर के सब दौड़ पड़े। प्रणया गत साध्वसाहा, भगवान के प्रति इतना प्रेम उनमें उछल रहा था कि उससे ये सब सब भ्रमित संभ्रमित थे, कुछ भूल तो नहीं रहे, कुछ जल्दी तो नहीं हो रही, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, ऐसे विभ्रमित हो रहे हैं सब, क्या करें क्या ना करें, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा। वार मुख्याश्च सतसो यानैस्तद् दर्शनोत्सुकाः, और भी वार मुख्याएं स्त्रियां वेश्याएं सैकड़ों की संख्या में
पालकियों में बैठ करके भगवान का दर्शन करने के लिए दौड़ पड़ी। रसद कुंडल निर्भात कपोल बदनस्य, उनके मुखार बिंद कानों में जो कुंडल प्रकाशित हो रहे हैं उससे कपोलों की बड़ी शोभा हो रही है, मुखार बिंद की शोभा हो रही है। ठीक है, प्रणयेन स्नेहेन आगतम साधसम संशयो संभमो ये शांते। सभी लोगों के मन में भगवान के प्रति इतना प्रेम था कि उससे वे सब संभ्रमित हो रहे थे, कुछ भूल रहे हैं क्या, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या। वार मुख्या नटादय प्रतिजगमुहु, वार मुख्य स्त्रियां नट आदि कला कौशल दिखाने वाले भी सब दौड़। लसत कुंडलय निर्भातानी यानी कपोलानी, उनके कानों में जो कुंडल शोभित हो रहे हैं जिससे उनके कपोलों की चमचमाहट शोभा हो रही है, ऐसे मुखार बिंद वाली बार स्त्रियों के शोभा हो रही है। श्री शोभा यासाम ताह, बार मुख्या नर्तकियां नर्तन करने वाली नृत्य करने वाली नर्तकियां, वैश्या इतिया नट नर्तक गंधर्वा सूत मागध बंदिना गायन्ति चोत्तम श्लोको चरितानि अद्भुतानि च। सूत जी महाराज कहते हैं कि नट नर्तक गंधर्व सूत मागध बंदी ये सब पारिभाषिक हैं, ये सब उत्तम श्लोक भगवान के अद्भुत चरित्रों का कोई गान कर रहे हैं, कोई स्तुति कर रहे हैं। श्रीधर स्वामी टीका में कह रहे हैं अद्भुतान चैत चकार से बंधन चैत्यन्वय, अद्भुतान चय से बंदी छूट गया है ना, श्लोक में नहीं आया, तो चकार से कहते हैं बंदियों को भी ले लो बंधन च। अब सबकी अलग अलग व्याख्या करते हैं। नट किसे कहते हैं? नव रसाभिनव चतुराह नटाह, नट कहते हैं जो नव रस होते हैं काव्य के, श्रृंगार वीर हास्य आदि, इनको ऐसा प्रस्तुत करने वाले जो हो कि बिल्कुल देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाए सब रसों को, उसको कहते हैं नट। और नर्तक किसे कहते हैं? तालादि अनुसार नृत्यंतो नर्तकाः, वाद्य के ताल के जो नियम हैं संगीत शास्त्र के, उसके अनुसार जो नृत्य प्रस्तुत करने वाले वो नर्तक, नट और नर्तक। गंधर्व कौन है? गायक, गान करने वाले गंधर्व है ना। सूता पौराणिका प्रोक्ता, सूत कहे जाते हैं पौराणिक, प्राचीन गाथा सुनाते हैं। मागधा वंश संसका, जो वंश पूर्वजों की प्रशंसा करते हैं कि महाराज आपके वंश में ये हुए वे हुए ऐसे हुए वैसे हुए, उनको मागध कहते हैं। बंदी किसे कहते हैं? बदनस्तमल प्रज्ञा, बंदी जो होते हैं जिनकी प्रज्ञा बड़ी निर्मल होती है, अमल प्रज्ञा। प्रस्ताव सब शोकत, जो जहां जैसी बात उचित हो वैसी बात प्रस्तुत करते हैं। ते सर्वे गायन्ति चैत्यन्वय, ये सब के सब गान करने। उत्तम श्लोकस्य अद्भुतानि चरित्राणि भक्त वात्सल्यादीनि, उत्तम श्लोक जो भगवान हैं उनके अद्भुत चरित्र भक्त वात्सल्यादि जो गुण चरित्र हैं उनका गान कर रहे हैं। और कहते हैं भगवान स्तत्र बंधूनाम पौराणाम अनुवर्तिनाम यथा विद्युपसंगम्यो सर्वेषां मानमादधे। अब ये तो प्रजा की ओर का व्यवहार वर्णन किया गया, उनका आनंद और भगवान की स्तुति और उनका व्यवहार कृत्य। अब भगवान की ओर से
भगवान सत्र बंधु नाम पौराणाम अनुवर्ति नाम, अपने बंधु माता पिता आदि बंधु थे, बलराम जी थे, अक्रूर चाचा थे और पूर्ववासी अनुवर्ति नाम। पूर्ववासी तो भगवान का अनुवर्तन करने वाले थे, रिश्ता तो कोई नहीं था लेकिन भगवान के अनुयायी थे। तो बंधु और पूर्ववासी अनुयायी, यथा विध्युपसंगम्यो, जैसा विधान है शास्त्र का उसी प्रकार से उनसे मिले, उनका साथ दिया। सर्वेषां मानमादधे, और भगवान ने सभी का सम्मान किया। किसी को यह न हो कि भगवान ने हमको हमारी ओर देखा भी नहीं, ऐसा नहीं। ये बहुत जो है विलक्षण बात। यथा विधि यही हिंसा यथोचितम, जिनके साथ जैसा व्यवहार शास्त्र सम्मत उचित है उसके साथ भगवान उसी प्रकार से मिले। तथा समागमम कृत्वा सर्वेषां मानमादधे कृत्वा नित्यर्थः, किसी को निराश नहीं किया, सबको तृप्त किया भगवान ने। तदा वही कह रहे हैं, और उत्कृष्टता जो है, उत्कृष्टता का यही एक मापदंड है। व्यक्ति जो है अपने को पैसे से बड़ा मान लेता है, कोई बड़े पद में पहुंच गया तो अपने को बड़ा मान लेता है, कुछ नहीं है। जो इस प्रकार से है ना, जन जन के हृदय में जो विराजमान हो जाए वह बड़ा होता है। तो कह रहे हैं प्रह्वाभिवादनाश्लेषो परस्पर्श स्मृदेक्षण ही आश्वास्य चास्तपाकेभ्यो वरैश्चाभिमतैर्विभुहु। प्रह्वा माने सिर झुका करके प्रणाम करना, जैसे माता पिता को, अभिवादन करना गुरुजनों को, आश्लेष जो बराबर के उनको गले लगा लिया, इसको भी उसको भी जो जो भी है गले लगा लिया। और कर स्पर्श, किसी को किसी का हाथ पकड़ लिया, हाथ मिला लेते हैं ना, कर स्पर्श स्मृदे क्षण ही, और किसी की ओर मुस्का दिया देख करके, और किसी की ओर देख लिया भाई ठीक होता, जो जिस प्रकार का जिस जैसा योग है। आश्वास चास्पा के भ्या, देखिए सूर्य जी महाराज क्या कहते हैं, स्वपाक माने सबसे निकृष्ट मनुष्य होता है कुत्ते का मांस खाने वाला, किंतु वहां तो कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं था जो भगवान का प्रेमी न हो। तो भगवान का प्रेमी होने की महिमा है, चाहे भले चांडाल है कोई है, इसलिए भगवान किसी को निराश नहीं कर रहे हैं, सख्त आश्वासन करते हैं। आश्वास्य चास्तपा के भ्यो वरैश्चाभिमतैर विभुहु, विभु समर्थ भगवान ने आश्वासन दिया और जो जिस प्रकार के योग्य था उसको अभिमत वरदान भी दिया। किसी को हार उतार के दे दिया, किसी को रत्न दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, वस्त्र दे दिया, इस प्रकार का व्यवहार किया। तो राष्ट्र का शासक जो है प्रजा के भीतर इस तरह से निवास करने वाला हो, ऐसे शासक के राज्य में प्रजा सुखी हो सकती है। टीका, तदा प्रहवे की प्रहवम प्रहवत्वम शीर्षा नति, है ना, गुरुजन माता पिता के सामने सिर झुका करके भगवान प्रणाम करते, अभिवादनम वाचा नति ही वाणी से करते हैं, वयोवृद्ध हैं कोई, आश्वास्य अभयम दत्वा किसी को निर्भय करते हैं, भाई चिंता न करना, कोई बात हो तो बताना, निर्भय कर दिया। स्वपाकान अभिव्याप्य, स्वपाक को तत्व पर मैंने बड़ई अभीष्ट दान इष्ट मानम कृतवान, वरदान और अभीष्ट दान जो जिसने जो कुछ मांगा
दे दिया, मानम कृतवान, मान करना चाहिए। भक्ति मार्ग में देखिए यह बात कम से कम 8 जगह श्रीमद् भागवत में दोहराई गई है, सातलोकपाखान में तो सर्वत्र। तो सारा संसार भगवान का स्वरूप है, इसलिए मन सब का जो है सम्मान करना चाहिए। उसका ढंग भी बताया गया है भागवत में कैसे करना चाहिए। और कहते स्वयं च गुरु भीर विप्रय सदारय स्थविरति आशीर्भिर युद्ध मानोर्ण बंधुश्चा विशत्पुरम। और मने भगवान ने अपनी ओर से सबके साथ ऐसा व्यवहार किया, और स्वयं गुरुओं के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, उनकी गुरु पत्नियों के द्वारा, वृद्धों के द्वारा आशीर्वाद दिया गया, बेटा चिरंजीव रहो, चिरंजीव रहो। भगवान प्रणाम कर रहे हैं, वो चिरंजीव का आशीर्वाद दे रहे हैं गुरुजन लोग। युद्ध माना अन्य बंधुश्चा विशत्पुरम, और दूसरे जो बंदी जन हैं वो भी भगवान की वृंदावली गा रहे हैं, और वह सब सुनते हुए द्वारिकापुरी में प्रवेश कर गए। अब यहीं रहने दीजिए क्योंकि आगे फिर बढ़ जाएगा। भगवान का प्रवेश हो गया द्वारिकापुरी में, और कल फिर तो रुकेगा, फिर पता रहेगा परसों।